नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा घर पे नेचुरल एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो में आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कभी भी नए वीडियो चढ़ाऊँ तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एलोवेरा की। तो मैं एलोवेरा लेके आ चुका हूँ। आप अपने बाग बगीचे या अपने घर पे उगाए हुए एलोवेरा का भी यूज ले सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने एलोवेरा लाया है, और इस पर ये कांटे लगे, इन्हें अलग कर लेता हूँ पहले, फिर इसके दो पीस करके इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर के गूदे को बाहर निकाल देना है, जो कि आप जेली टाइप देख रहे हैं। तो मैं इसे अच्छी तरीके से इस एलोवेरा को छील रहा हूँ। फिर आपको एक ग्लास चाहिए स्टील की, और ग्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके कोरे होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम इस एलोवेरा जेल को अलग करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मैं इसे एलोवेरा जेल को अलग कर लिया है। तो आप फटाफट से, मैं स्किप कर रहा हूँ वीडियो को ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने सारी एलोवेरा जेल को अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का एलोवेरा जेल निकला है हमारा। अब हमें इसे ग्राइंडर में पीसना है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से इसका जूस बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जूस बना लिया एलोवेरा का, और अब हमें इसे एक कटोरी में रख देना है अलग से, ताकि हम इसे गर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक स्टील का बर्तन ले लिया है, और इसे अच्छी तरीके से इसे छान लेना है पहले। तो मैं इस कपड़े के माध्यम से इसे छान लिया है, और अब हमें इंडक्शन या किसी गैस के माध्यम से इसे गर्म करना है। गर्म क्यों कर रहे हैं हम? इसके झाग अलग करने के लिए, ताकि हम इसका लिक्विड काम में ले सकें, क्योंकि इसमें झाग आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा एलोवेरा जल उबलना आरंभ हुआ है, तो इसमें झाग आने लग चुके हैं। इन झाग को हमें चम्मच के माध्यम से अलग कर लेना, क्योंकि हम इसका केवल लिक्विड यूज में लेने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, उसी प्रकार आपको करते जाना है। तो मैं इस प्रकार झाग को अलग कर लिया है एलोवेरा के लिक्विड से। तो इसे वापस से एक बार उबाल लूँगा, ताकि देख सकते हैं हम, ताकि और झाग ना आए इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत झाग है, इसे भी अलग कर लेते, और अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी झाग नहीं बचने वाला। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल झाग नहीं है। इसे अलग से एक कटोरी में अलग कर लेना है इस लिक्विड को एलोवेरा जेल के। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया, इसे अलग रख देना। अब वापस हमें बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है। तो आप देख सकते हैं आपके अंदाजे के अनुसार पानी लेना है, क्योंकि इसमें हम ग्रीन टी को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन टी है। ग्रीन टी हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको पता ही होगा, इसलिए हम इसमें ग्रीन टी का जूस भी यूज लेंगे। तो पानी को अच्छी तरीके से उबाल लेना है। पानी को उबालने के बाद इसमें एक चम्मच हम ग्रीन टी मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रीन टी मैंने ले ली है चम्मच में, और एक चम्मच इसमें ग्रीन टी हम डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से घुल सके। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन टी घुल चुकी है। तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो इस प्रकार थोड़ी देर में ग्रीन टी पूरी तरीके से इसमें घुल जाएगी। तो घुलने के बाद आपको वापस एक ग्लास लेना है, और वेट स्केल में 0 कर लेना वेट को, और फिर इसमें 70 ग्राम पानी चाहिए हमें। तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो मैंने 70 ग्राम पानी ले लिया है इसमें। और अब हमें एक बर्तन लेना, वापस उस बर्तन में इस पानी को डाल देना, और इस पानी को थोड़ा बॉईल करना है। तो जैसे ही पानी बॉईल हो जाए, तो आप देख सकते हैं मैंने बॉईल होने के बाद पानी को अलग ले लिया है। अब हमें वापस ग्लास लेना है, और इसमें हम एलोवेरा जूस को डालेंगे। तो एलोवेरा जूस हम कितना ग्राम लेंगे आपको बता दूंगा मैं अभी। तो आप देख सकते हैं 30 ग्राम एलोवेरा जेल को मैंने इसमें, जो हमने बॉईल किया था पानी, उसमें मिला दिया है। तो दोस्तों अब हमें आवश्यकता होगी कार्बोफोल 940 की, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में यूज लिया जाता है इसका। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। ये इसमें हम क्यों डालते हैं, ये इसको थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए डालते हैं, जो कि इसको जेल में बनाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये वेट में बहुत ही हल्का होता है और ये बहुत ही टाइम लगाता है किसी भी लिक्विड में घुलने के लिए। तो मैं एक चम्मच इसमें डाल देता हूँ और इसे अच्छी तरीके से इसमें मिलाना है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी गलती मत करना। आप देख सकते हैं वीडियो में इसे मैं अच्छी तरीके से घुला देता हूँ। पहले ये बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, पूरा मिक्स होना चाहिए इस लिक्विड में। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये लिक्विड में मिक्स होने लग गया है। तो अब हमें आवश्यकता होगी ट्राई एथिनॉल एमाइन की। तो आप देख सकते हैं ये भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। अगर हम कार्बोपोल को मिलाते हैं तो ये मिलाना आवश्यक है, क्योंकि अब हम इसे जेल में परिवर्तन करना है तो इसे मिलाना आवश्यक है। तो मैं इसे भी एक चम्मच मिला देता हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमें देरी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये फटाफट से जम जाता है और रिएक्शन पूरी के साथ में नहीं होगी, इसलिए हमें पूरी एक साथ मिलाना है, टाइम नहीं लेना है, फटाफट से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं ये जेल बन चुका है और अब हमें इसमें एक चम्मच ग्रीन टी का मिलाना है, क्योंकि ग्रीन टी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम ग्रीन टी मिला रहे हैं इसमें। इसमें बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है तो ग्रीन टी इसलिए हम इसमें मिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन टी मिलाने के बाद भी इसका एकदम ट्रांसपेरेंट लुक आ रहा है हमारी जेल का, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल बनी हमारी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी नई वीडियो चढ़ाऊँ तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी सी जेल बनी, एकदम ट्रांसपेरेंट। और आपको ऐसा लगता होगा इसका लुक हरा क्यों नहीं आया, क्योंकि हम एलोवेरा जेल बनाते हैं तो वाइट ही लुक आता है या तो इस प्रकार का। ग्रीन लुक लाने के लिए इसमें हम कलर मिला सकते हैं, मगर हमने कलर नहीं मिलाया और ये एकदम नेचुरल एलोवेरा जेल है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।